हेलो एंड वेलकम बे गाइस तो आज हम पुनः देख रहे हैं शाम के वक्त में बीएससी पार्ट टू दो हज़ार इक्कीस हिंदी पेपर पेपर फर्स्ट ठीक है तो हमने मीडिया प्रतिवेदन ये सब के आंसर यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं ठीक है और इसके बाद इसको भी देख लिए है भाषा वित्त वाणिज्य इसको भी देख लिए हैं इसको इसको विशेषण हो गया अब हम देख रहे हैं संज्ञा ठीक है चलिए देखते हैं आंसर की ओर अगला देखिए संज्ञा की परिभाषा तो क्या है संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो इंग्लिश में इसी को कहा जाए तो नाउन क्या है नाउन पूछे तो कहना आप नाउन इज अ पर्सन प्लेस आर एनी थिंग ठीक है पर्सन प्लेस वस्तु व्यक्ति या स्थान अब संज्ञा के भेद बताइए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक वाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा ठीक है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन ये सब होता है ना इंग्लिश में वैसे हिंदी में भी तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं उदाहरण हिमालय गंगा दिल्ली कोलकाता राम श्याम आदि ठीक है उसके बाद जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से एक ही जाति के ठीक है एक जाति के सब प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं उदाहरण नदी पर्वत शहर देवता आदि आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो मैं बता दूं देखिए हिमालय बोलेंगे तो हिमालय एक विशेष हो रहा है ठीक है हिमालय उसका नाम फिर गंगा नदी है लेकिन उसका व्यक्ति विशेष हो गया दिल्ली कोलकाता जैसे राम और श्याम अब समझिए ये नदी इसमें एक जाति का बोध हो गया नदी में पूरे नदी आ गए ठीक है पर्वत में हर पर्वत शहर में हर शहर को ले लिया देवता में पूरे देवता तो ठीक है ये क्या हुआ जाति और विशेष बोलेंगे तो किसी एक का ठीक उसके बाद भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण दशा अथवा व्यापार के नाम का बोध होता है वह क्या कहलाता है भाववाचक देखिए भाव क्या हो गया क्रोध हमारा भाव है कि नहीं हम गुस्सा हो रहे हैं भलाई नम्रता मित्रता मानवता इसके अलावा आगे और कुछ कुछ लिख सकते हैं और मैं ध्यान दे रही हूँ आजकल मैं अलावा ज्यादा बोलती हूँ हाँ आगे देखते हैं समूह वाचक संज्ञा इससे प्राणियों या पदार्थों के समूह का ज्ञान होता है किसका ज्ञान होता है समूह तो जैसे सेना ठीक है सेना क्या में रहते हैं समूह में कक्षा कक्षा में भी बहुत सारे लोग होते हैं समूह चाबी का गुच्छा ये सब क्या हो जाएंगे उदाहरण समूह संज्ञा उसके बाद धातु वाचक संज्ञा सबसे लास्ट इससे वस्तु का नाम सूचित होता है ठीक है क्या का सूचित होता है वस्तु का और आगे देख लेते हैं क्या क्या होता है इसका उदाहरण हीरा पन्ना सोना चांदी इस तरह से ठीक है और यदि आप इसमें देखना चाहते हैं भाववाचक संख्या में ठीक है तो भाववाचक संख्या में क्या होता है जैसे सच्चाई मिठास एकता सजावट ये सब भी लिख सकते हैं आप तो दोस्तों हम हर दिन ऐसा वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर डालते हैं प्लीज देखा करें दोस्तों को बताओ ठीक है कल मैंने बॉटनी का अपलोड किया है इसी तरह रोज़ हिंदी बॉटनी हिंदी बॉटनी लगातार चलते रहेगा ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद